हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं चिन्मयी। सो आज है छोटी दिवाली और आप सभी को छोटी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और यहां पे देखिए, पूजा के लिए बहुत सारे फ्रूट्स हस्बैंड लेके आए थे और ये जो सुगरकन है वो पूजा के लिए ज़रूरत होती है दिवाली के लिए, तो हस्बैंड लेके आ गए थे। और यहां पे मैं कल जो दिवाली है उसके लिए आज से मैं जो पूजा का मंदिर है बहुत दिन से क्लीन नहीं हो रहा था, तो आज मैंने सोचा कि जो पूजा का मंदिर है मैं क्लीन कर दूँ। और दिवाली भी आ रहा है और दिवाली के पहले ही मैं सारे घर को क्लीन कर दिया था, बट पूजा का जो मंदिर है वो मुझे टाइम भी नहीं मिल रहा था, तो आज मैंने सोचा कि नहीं, आज ही क्लीन कर लेती हूँ। और अभी तो सुबह हो रहा है तो मेरे दोनों जो बेटी है वो सो रहे हैं, अभी तक उठे ही नहीं है, तो अभी मैं क्लीन कर लेती हूँ। और यहाँ साइड में देखिए, हस्बैंड कुछ पूछ रहे थे तो मैं उनको बता रही थी कि हाँ यहाँ पे है कुछ, किचन में कुछ बना रहे थे। और यहाँ पे देखिए, मैं सारी चीज़ें क्लीन कर रही हूँ। और क्या हो रहा है ना, कुछ दिन से हमारे घर में छोटा छोटा चूहा कहाँ से आ गए पता नहीं चल रहा है। और देखिए, मेरा जो कुछ भी रखती हूँ ना, मतलब वो छोटा छोटा टुकड़ा करके काट देते हैं, तो बहुत परेशान करते हैं। छोटे छोटे चूहे बहुत हो गए हैं घर में। और यहाँ पे देखिए, मैं सारी चीज़ें क्लीन कर रही हूँ और बहुत दिन से मेरे को टाइम नहीं मिल रहा था, तो मैं पूजा भी नहीं कर पा रही थी कभी, तो हस्बैंड हमेशा पूजा ही कर देते हैं। और सुबह सुबह दोनों बच्चे का काम भी रहता है और क्लासेस वगैरह रहता है, इसीलिए मैं पूजा वगैरह भी कुछ दिन से नहीं कर पाती थी, और शाम को कभी कभार कर लेती हूँ। और यहाँ पे देखिए, मैं पुराना वाला कपड़ा निकाल दिया और फ्रेश वाला जो मैंने साफ़ करके रखी थी वो वाला कपड़ा मैंने लगा दिया। और अच्छी तरह से मैंने, मतलब जो सारे जो फ़ोटोज़ है वो मैंने क्लीन किया था 10-15 दिन पहले, तो बस मैं अभी थोड़ा सा ऊपर से ही मैं क्लीन करके बस रखूँगी। और जो मंदिर का तोरण भी है वो मैंने साफ़ कर दिया था पहले, तो वो भी मैंने लगा दिया है। देखिए बहुत अच्छा लग रहा है। और साइड में देख सकते हैं, धनतेरस के दिन हम लोग झाड़ू भी खरीदे थे, तो उसको थोड़ा सा पूजा करने के बाद हम लोग इस्तेमाल करते हैं, मैंने पहले ब्लॉग में बोला था। तो यहाँ पर देखिए, तो पूजा तो हो गया है तो बस कल से हम लोग इस्तेमाल करेंगे। और नीचे देखिए, बहुत सारे चीज़ इधर उधर फैला है तो वो मैं अभी क्लीन करूँगी, तो प्लीज़ इग्नोर कर दीजिएगा। और यहाँ पे कुछ पूजा का बर्तन था वो मुझे साफ़ करना था, तो यहाँ पे मैंने साफ़ कर लूँगी, फिर मैं पूजा करना स्टार्ट करूँगी। जो पूजा का बर्तन होता है, मैं कभी कभार लेमन अप्लाई करके मैं साफ़ करती हूँ, और कभी कभार अगर मेरे पास इमली अवेलेबल होता है तो वो अप्लाई करके मैं साफ़ करती हूँ, तो बहुत अच्छी तरह से क्लीन होता है सारी जो पूजा का बर्तन। मेरा जो सारे पूजा का बर्तन है वो पहले मैं थोड़ा सा लेमन अप्लाई कर लेती हूँ, उसके बाद जो मेरा डिश वॉशर लिक्विड होता है वो वाला अप्लाई करके मैं अच्छी तरह से साफ़ करती हूँ, तो बहुत अच्छी तरह से क्लीन भी हो जाता है। और पूजा जो है सबका अपना अपना तरीका होता है, तो कोई किस तरह से करता है हमको जज नहीं करना चाहिए, हमको जितना हमको जैसा अच्छा लग रहा है तो हम वैसे ही करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि दूसरे कोई अलग तरीके से पूजा कर रहा है तो हमको भी वैसे करना चाहिए, नहीं, आपको जैसा मन कर रहा है आप वैसे कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो घर का पूजा ख़त्म होने के बाद मैं यहाँ पे तुलसी का पूजा करती हूँ, मुझे बहुत ही सुकून मिलता है।
मेरा मानना है कि आप जो भी करें आप सच्चे मन से करें, सच्चे दिल से करें, देखिए आपको बहुत सेटिस्फेक्शन मिलेगा। और मैं हमेशा वैसे ही करती हूँ जैसे मुझे सेटिस्फेक्शन मिलता है, मुझे जैसे सेटिस्फेक्शन मिलता है मैं वैसे ही पूजा करती हूँ और मुझे अच्छा लगता है। और पूजा ख़त्म होने के बाद मैं आके देखा तो किचन में हस्बैंड ब्रेकफास्ट की तैयारी कर दिए थे और सेमी का उपमा भी बना लिए थे और बहुत ही टेस्टी भी बनाए थे। और उसके बाद मैंने यहाँ पे लंच के भी प्रिपेयर कर दिया था फटाफट। और दिन भर मैं बिल्कुल भी सूट नहीं कर पाई थी और कल दिवाली है इसीलिए मैं बहुत बिजी थी और दिवाली के लिए प्रिपरेशन कर रही थी। और बहुत कुछ बनता है हमारे घर में, जो पूजा वगैरह भी होता है इसके लिए भी बहुत सारी कुछ प्रिपरेशन करना पड़ता है, तो इसके लिए मैं बिल्कुल भी ब्लॉग आज नहीं बना पा रही थी। और यहाँ पे हमारा बालकनी में लाइट्स वगैरह तो लगाए थे बट फिर भी अंधेरा जैसा लग रहा था तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैं और मेरी बड़ी बेटी मिलके यहाँ पे कैंडल लगा रहे, थोड़ा सा लाइटिंग कर रहे और अच्छा भी लग रहा था। कुछ भी करो आप दिल से करो तो बहुत ही अच्छा लगता है। सो गाइस, ये था मेरा आज का छोटू सा ब्लॉग। अगर आपको ये ब्लॉग मेरा पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। टिल देन स्टे हैप्पी, गुड बाय एंड स्टे सेफ फॉर दिवाली।